निश्चित रूप से चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ ने अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की है और आज शिक्षा के क्षेत्र में हम कह सकते हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ ने गरीबों के लिए 50 की निःशुल्क इलाज की व्यवस्था की है। कॉकलियर इम्प्लांट और बाईपास सर्जरी बच्चों के लिए, कंजनेटल हार्ट डिजीज के लिए निःशुल्क व्यवस्था की है और उसके साथ ही साथ आज मुझे लगता है कि हमने 9 मेडिकल कॉलेज, 84 से ज़्यादा हमारे नर्सिंग कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज, होम्योपैथिक कॉलेज नए स्थापना किए हैं। तो एक प्रकार से ग्रामीण अंचल तक स्वास्थ्य की सुविधा कैसे पहुंचे इसकी चिंता कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ सरकार को यहाँ स्वास्थ्य सुविधा में जो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सकता है, माननीय केंद्रीय मंत्री नड्डा जी के इस स्वास्थ्य मंत्री के रूप में उन्होंने दिया, मैं नड्डा जी को धन्यवाद दूंगा। यहाँ के नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना, यहाँ नए कोर्सेज की स्थापना, पीजी की सीट बढ़ाने के लिए वो बधाई के पात्र हैं, उनको धन्यवाद दूंगा और आज वो मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे, मैं पूरे छत्तीसगढ़ वासियों की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूँ।